हाँ जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, हेडिंग डालिए, टू चेक द वैलिडिटी, टू चेक द वैलिडिटी और द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। और इस एप्लीकेशन को सीखने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। फिर से एक हेडिंग डालिए, होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन, समझिए समझिए। आपके पास 15 शर्ट हैं आपके घर, और आपके पास 18 पैंट्स हैं, ठीक है। इसमें से आपकी दो पैंट्स जो हैं वो डिस्पोज कर दिए आपने, ठीक है। तो मुझे बताइए आप कितनी शर्ट बची। क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दीजिएगा आंसर। कितनी शर्ट बची आपके पास? क्यों, जो जिन दो पैंट्स के साथ की शर्ट है उन्हें डिस्पोज नहीं करोगे आप? कितनी शर्ट बची? सिंपल सी बात है, 15। दिमाग लगाना ही नहीं है फिजिक्स में, दिमाग घर छोड़कर आना, जैसा है सिंपल वैसा ही है, ठीक है। आपने तीन नई शर्ट्स और ले ली, तो अब आपके पास कितनी पैंट्स हैं? सिक्सटीन। रीजन क्या है इसका? कि शर्ट में शर्ट ही तो ऐड कर सकते हो, दो 20 शर्ट थी, 5 शर्ट फट गई तो 15 ही बची, पैंट से इनका क्या ताल्लुक? सिंपल यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या कि आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आप टाइम में किसी भी तरह मास ऐड नहीं कर सकते। 4 किलो चीनी और आपको लस्सी बनाने में लग गए आधा घंटा, तो कुल मिलाकर कितना टाइम लगा? 4.5 घंटे। 4 किलो तो चीनी लगी और आधा घंटा लगा इसका आधार नहीं जोड़ने को, इसके अंदर 4.5 घंटे लगे ना? नहीं, टाइम और मास को आपस में जोड़ना एक मूर्खता है, जोड़ा ही नहीं जा सकता। बस यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या, लिख लीजिए, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। और इसी प्रिंसिपल का एक दूसरा रूप है, देखिए आपको एक चीज लिखते हैं, समथिंग 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 प्लस समथिंग 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 इज इक्वल टू दैट 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 माइनस दैट दैट दैट। आपने अगर जिन दो चीजों को जोड़ा है तो सिंपल सी बात है, इनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर ये स्पीड है तो स्पीड में ही जोड़ा होगा आपने, अगर ये मास है तो मास में जोड़ा होगा आपने, और फिर इनके इज इक्वल टू में जो आंसर आएगा वो भी, अगर मास को जोड़ा है तो आंसर भी मास ही आएगा, चाहे वो देखने में कुछ भी लग रहा हो हमें, लेकिन डायमेंशन उसकी क्या होगी? मास ही होगी। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन वैलिड होने के लिए इसके जितने भी पार्ट्स हैं इन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर ये मास है तो बाकी सब भी मास ही होंगे, अगर ये वेलोसिटी है तो ये सब भी वेलोसिटी होंगी, अगर ये फोर्स है तो ये सब भी फोर्स ही होंगे। किसी भी इक्वेशन में जो प्लस या माइनस या इज इक्वल टू आ रहा है, इनसे सेपरेट होने वाले जितने भी पार्ट्स हैं इन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। लिखते हैं इसे, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी टू बी वैलिड, फॉर ए फिजिकल इक्वेशन टू बी वैलिड, द डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इक्वेशन सेपरेटेड बाय इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसे, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, यानी इज इक्वल टू से प्लस या माइनस से जो भी जितने भी पार्ट्स अलग अलग बन रहे हैं उन सबकी डायमेंशन बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन क्या होगी? वैलिड होगी। क्लियर है? लिख लीजिए क्वेश्चन।
द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, विद स्पीड v इज गिवन बाय f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर, इज गिवन बाय f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर. चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग. चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग. इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर्स. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू फोर्स. ठीक है. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स. और एम एल टी माइनस टू आप पहले ही कल इसे कर चुके हैं. राइट हैंड साइड आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है एम वी स्क्वायर आर. और डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन स्क्वायर, और आर, आर भी एक तरह की लेंथ है. एल क्या बना? एम. एल स्क्वायर यहां से आ गया, एक एल यहां से आ गया, एल क्यूब टी माइनस टू. क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है? नहीं है. डायमेंशनली राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस द इक्वेशन इज इनवैलिड. वाउचर लगाना पड़ेगा तब इसकी वैलिडिटी मिलेगी. 23 रुपए वाला कीजिए. इसे कैसे करेंगे? बहुत आसान जाना पहचाना क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. यह आपको पता लगाना कि इक्वेशन वैलिड है या नहीं है. S मतलब डिस्टेंस, A एक्सेलरेशन, T टाइम. डायमेंशंस ऑफ S कितना है? सिंपल, ये डिस्टेंस है L. डायमेंशंस ऑफ ut स्क्वायर, u है स्पीड, एल टी माइनस वन ये है टाइम. कितना हुआ? एल टी टू द पावर माइनस वन, और टू ये हो गया एल टी. डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी, हाफ ए टी, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, जो प्योर रेशियो है. वन की कोई डायमेंशन नहीं, टू की तो कोई डायमेंशन नहीं. एक एक्सेलरेशन है ए, एल टी माइनस टू, और आगे क्या है? टी. तो कितना बना? एल टी माइनस वन. अब देख लो, तीनों पार्ट की डायमेंशन अगर सेम आ रही होती तो वैलिड होता, वरना नहीं है वैलिड. तीनों पार्ट्स की डायमेंशन अलग अलग है, तीन में से किसी दो की भी अलग निकल गई. चार पार्ट दे रखे, चार में से किसी एक की भी अलग निकल गई, तो डायमेंशन गलत है इक्वेशन. ठीक है. हेंस इक्वेशन इज नॉट वैलिड. सबके अलग अलग लेख देखनी है आपको. यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि इज इक्वल टू प्लस या माइनस से जितने भी पार्ट सेपरेट हो रहे हैं, हर पार्ट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो अलग पार्ट अलग अलग निकाल लो हर पार्ट की डायमेंशन. ठीक है. फाइंड द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस. सिंपल से दे रहा हूं इस बार भी. फिर जो डायमेंशन वेलोसिटी स्क्वायर की है वही डायमेंशन u स्क्वायर की, वही डायमेंशन टू ए एस की है. तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वैलिड है.